तो यार गाइस आ गए हैं आज आपके लिए एक और न्यू गेम प्ले की वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, आज का गेम प्ले हमारा शॉटगन चैलेंज गेम प्ले। और आपको पता ही होगा कि शॉटगन से आपको फाइट लेने में कितनी दिक्कत आ सकती है। मतलब अगर लॉन्ग रेंज से कोई बंदा आपको मार रहा है तो आपको उसको उसके नज़दीक जाके उसको मारना पड़ेगा, तो कितनी आपको प्रॉब्लम्स उठाना पड़ सकती है। तो गाइस छोड़ो पर यहीं पर हम अपना गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। पर जिसने अभी तक चैनल पर न्यू होगा तो भाई आपको पता ही है क्या करना होता है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना होता है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, बिकॉज आपका एक शेयर हमें स्पोर्ट में कर सकता है। तो गाइस कोई बंदा नहीं होगा चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना गाइस, ठीक है। तो यार बढ़ते हैं हम गेम प्ले की तरफ। तो यहाँ पे आ गए थे हम यहाँ, और यहाँ पे ओल्ड बेसन पे जैसे उतरते हैं तो हम पर थोड़ी देर पहले तो ऐसे मिलते हैं हमें शॉर्ट गन, उसके बाद मिल जाती है जब शॉर्ट गन। तो यहाँ पे ये जो बंदा था भाई सैंडी नाम का, भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ। अब छोड़ तो मैं नहीं सकता था, पर इसका गेम जो बहुत लैग हो रहा था और ये मेरे पास अच्छा चांस था इसको ख़त्म करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोट आ जाता है और एक ही बंदा जो था सैंडी नाम का, इसका बहुत तगड़ा लैग हो रहा था, तो इसको हम बहुत ईजी तरह से उसको यहाँ पर पेल देते हैं। तो यहाँ पे हमें जस्ट दो बोट और एक बंदा देखने को मिलता है ओल्ड बेसन पे, और ये मेरे लिए अच्छा था। और मेरे को यहाँ पे शॉटगन के भी अच्छे खासे एमओ मिल जाते हैं जी हाँ गाइस। और उसके बाद जब मैं यहाँ से निकलने की सोच ही रहा होता हूँ, पर मेरे को बिल्कुल सामने की तरफ से फायर आता है, ठीक है, हमारे को ऊपर की तरफ से फायर आता है। तो मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ सबसे पहले और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, और आप यहाँ पे सुनना कि क्या ही होता है मेरे साथ है। मतलब बंदे के पास AKM और मेरे हाथ पे शॉटगन, ठीक है, अब क्या ही चेंज होने वाला है। गैस करो गाइस, यहाँ पे पहले तो स्प्रे देने की कोशिश करता है, पर गाड़ी पे स्प्रे देते उसका स्प्रे जो था उन्हें गाड़ी पे बजता है, यहाँ पे सुनना गाइस जाता है। तो गाइस आपको पता ही लग गया उसने मुझे तगड़ा स्प्रे मारा मेरे ऊपर, पर वो फिर भी स्प्रे देने पे उसको मुश्किल रही, क्योंकि मैंने फिर से गाड़ी घुमा के मैं सीधा स्नाइपर टावर पे जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगा कि स्नाइपर टावर से पहले फायर आया, पर मेरे को गाड़ी पहले नीचे दिखती है, पर मैं सोचता हूँ कि यहीं पे होगा स्नाइपर टावर पे, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के सीधा अंदर घुसता हूँ पहले, तो कि कहीं वो ऊपर वाले बिल्डिंग पे ना हो, मैं ऐसे सोचता हूँ। बट ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग होती है मेरी, बिकॉज वो यहाँ पे नहीं होते, यहाँ से वो लूट करके आगे चला गया होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता, फिर मैं सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता हूँ जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे स्नाइपर टावर का। तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को कोई नहीं दिखता। अब जब तक मैं यहाँ पे चेक ही कर रहा था तब तक यहाँ पे एक गाड़ी का साउंड आता है, मेरे को गाड़ी चलती है और गाड़ी सीधा यहाँ पे आ जाती है स्नाइपर टावर पे। अब मेरे को पता बंदा आएगा और मेरे पास हाथ पे शॉटगन है, उसके पास AKM है, तो मैंने यहाँ पे पौड़ियों पे एम रखा था कि जैसे ही आएगा शॉटगन दे देंगे शॉटगन के पटके, और जैसे ही होता है वो आता है तो यहाँ पे दो शॉट जैसे उसको लगते हैं। अब यहाँ पे उसको शॉटगन लगी थी तो उसको ओपी डैमेज था, और यहाँ पे अब जैसे वो हील लगे करना तो अभी मेरे पास अच्छा खासा चांस आ गया था, और मैं उसको इजीली दो फटके मार के फिर से उसको फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम जैसे उसको फिनिश करते हैं तो यहाँ पे एक और बॉट आ जाता है, जो मेरे लिए अच्छा चांस था, बिकॉज मेरे हाथ पे शॉटगन थी वैसे भी, और लॉन्ग रन से आपको पता है शॉटगन से बंदा मरता नहीं है, मतलब 3-4 शॉट मारोगे तब जाके उसको मरेगा शायद, ऐसे वो नहीं मरता। तो उसके बाद हम सीधा गाड़ी लेके आ जाते हैं अपने सिंक डेल्टा पे, ठीक है, वहाँ पे सबको फिनिश करके। और सिंक डेल्टा पे अब जो सीन होने वाला ना गाइस, यहाँ पे मेरे मतलब यहाँ पे आता हूँ, पर यहाँ पे तीन टीमें होती है, तीन टीमें थी, पर जो सबको ये बंदा अकेला फिनिश कर देता है। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बन चुका था कि इस बंदे ने अकेले दो बंदों को फिनिश कर दिया, 1v2 करके जो टीमों वाले थे दोनों को मार दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था, इसके हाथ में भी AKM थे और मेरे हाथ पे शॉटगन। अब वो बंदा कहाँ से आता है देखना, मेरे पहला सब गाइस। तो गाइस इसके लिए एक लाइक बनता है यहाँ पे, मैंने क्या ही क्लच चले के, मतलब क्या ही मैं ऐसे घूम के इसको जस्ट शॉटगन के पटके दिए ना, मतलब ये खुद ही पटक गया शॉटगन के पटके खा खा के। तो गाइस जिसने अभी तक लाइक नहीं किया होगा इसके लिए तो एक लाइक बनता ही गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको शॉट देता हूँ अच्छे खासे, और मैं यहाँ पे मुझे इसको फिनिश करके आ देता हूँ सीधे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जोन की तैयारी थी, पर मेरे हाथ पे शॉटगन अब मेरे लिए ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज शॉटगन वाले को लास्ट जोन पे अगर ओपन पे जोन बनता है ना तो ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर इन हाउस के अंदर बनेगा तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर यहाँ पे जैसे मैं बैठा होता तो मेरे को फुटस्टेप आ जाते हैं, ठीक है। अब फुटस्टेप आए तो मतलब पक्का कन्फर्म था कि बंदा आ रहा है, तो यहाँ पे अब देखना का इसके यही सुनते हैं।
मतलब यार इस पहले तो मैं इस बंदे को बोट समझ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरे पे फायर किया ना भाई, फुल एचपी से मेरे उसने इतनी लो हेल्थ कर दी। उसके बाद मैंने इसको शॉटगन के फटके चटक दिए, पर दो ही फटकों में ये सीधा नीचे गिर गया और यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैंने यहाँ पे वीडियो तो फास्ट किया बिकॉज तो बहुत टाइम लगा था यहाँ पे लास्ट जोन के लिए, बिकॉज लास्ट जोन ओपन पे जा रहा था पूरा। मैं सोच रहा था यार घर वगैरह पे चला जाता, किसी भी कंपाउंड पे चला जाता ना जोन, तो ऐसा बचने के चांसेस हो जाते, शॉटगन से हम फाइट ले सकते हैं। पर अगर ओपन पे जोन चला जाए तब आपके लिए मुश्किल हो जाती है, और वो मुश्किल कैसी होती है वो आपको अभी पता चल जाएगा इस, ठीक है, क्योंकि इतना गंदा सीन होने वाला है अब स्नेकों की, मतलब तबाही होने वाली है अब इतने स्नेक लास्ट जोन पे, और मैं अकेला वो भी हाथ पे शॉटगन, ठीक है। तो अब क्या सीन होने वाला है वो आपको भी देखना। अब जोन इस तरफ शिफ्ट होता है तो मैं सीधा इस तरफ आ जाता हूँ, और यहाँ पे अब देखना एक स्नेक ने मेरे को कब का देख लिया था, पर मेरे को उसका पता नहीं होता, पर उसने मेरे को कब का स्पेक्टेट कर लिया होता है और वो मेरे पे आराम से देख रहा होता, मेरे को भी सीधा सामने बंदा दिख जाता है। अब हाथ में शॉटगन थी तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज मेरे को पता था कि शॉटगन से बंदा नहीं मरेगा, तो यहाँ पे मैं ओनली देखता हूँ कि क्या चक्कर है। तो यहाँ पे मैं जस्ट देख ही रहा था, तब तक मेरे को AK-98 का शॉट पड़ता है, और जैसे मैं थोड़ा हिलने की कोशिश करता हूँ तब तक मेरे को दूसरा शॉट पड़ जाता है। तो यहाँ पे शॉटगन चैलेंज कंप्लीट तो नहीं हो पाता, इनफैक्ट अगर नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर होप आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब दबा देना गाइस, ठीक है। अगर आप भी कोई चैलेंज देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट बॉक्स पे, हम उसको भी जरूर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तो बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल ऑफ यू गाइस।